दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी यानी कि आज के इतिहास के बारे में, साथ ही जानेंगे आज के दिन का क्या खास महत्व है, 23 जनवरी इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है। चलिए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। 23 जनवरी 1556 को चीन के सेंसी प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप से 8,30,000 लोग मारे गए थे। वर्ष 1565 को टेलीकोटा के युद्ध में हिंदू साम्राज्य विजयनगर का पतन हुआ था। तो वहीं 23 जनवरी 393 को रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने आज ही के दिन अपने 9 वर्षीय बेटे होनोरियस को सह सम्राट घोषित किया था। तो वहीं वर्ष 1765 को पवित्र रोमन सम्राट यूसुफ द्वितीय ने बावरिया की राजकुमारी मारिया जोसेफ से वियना में शादी रचाई थी। वर्ष 1849 को एलिजाबेथ ब्लैकवेल मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी थी। वर्ष 1897 को आज ही के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। 23 जनवरी 1973 को अमेरिका और वियतनाम के बीच शांति समझौता हुआ था। वर्ष 1926 को शिवसेना के संस्थापक और भारतीय राजनेता वाला साहब ठाकरे का जन्म हुआ था। तो वहीं 1930 को क्लाइड टाम बाग ने पहली बार प्लूटो ग्रह की तस्वीर ली थी। वर्ष 1976 में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु को खुदाई में आज ही के दिन खोजा गया था। वर्ष 1993 को इंडियन एयरलाइंस का विमान V737 औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें 61 लोग मारे गए थे। वर्ष 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की अलकायदा के एजेंटों ने अपहरण करके हत्या कर दी थी। वर्ष 2004 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश में गौवंश वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं 2009 में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में धूम्रपान पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया था। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम ऐतिहासिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए टीवी 100 न्यूज। नमस्कार। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।